This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः आषाढ़ शुद्ध दशमी दिनांक 30 जून 2020 पतंजलि योग सूत्र सूत्र क्रमांक एक मूकं करोति वाचालं पंगुं दंडयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। इस श्लोक का एक खास प्रयोजन है, एक तो भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र, ये दो ग्रंथ योग के प्रात्यक्षिक इस प्रकार के ग्रंथ हैं। अभी मैंने कृष्णा जी को उलटकर इनके द्वारा जो मराठी में लिखी गई किताब है भारतीय मानस शास्त्र अर्थात योग पतंजलि योग दर्शन, उसका उपोद्घात काफी बड़ा है, विस्तीर्ण है। उसमें से कुछ पन्ने मैंने पढ़ लिए हैं और ये एक अलग ही अनुभव है कि जिस तरीके से उन्होंने इसका अध्ययन किया और पहले वाले जो भी मत संप्रदाय उसमें व्यक्त हुए हैं उनसे उनका कहना कुछ अलग है। और इनका एक कहना ऐसा है कि योग द्वैतवादी है, ऐसे बहुत सारे विद्वान मानते हैं, और ये अद्वैत का पुरस्कार करने वाला है, ऐसा पुनटकर जी का कहना है। और ये वेदांत का ही प्रात्यक्षिक अंग है, वेदांत दर्शन का शंकर भाष्य ये तात्विक इस प्रकार का अंग है और ये जो है वो प्रात्यक्षिक इस प्रकार का अंग है, ऐसा उनका कहना है। जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो शायद ये विषय ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। तो भगवान कृष्ण इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सांख्य योग ये गीता का स्वरूप है ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये वेदांत दर्शन के हिसाब से ही लिखा गया है और वैसे गीता में वेदांत भी आया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है वगैरह जो चीजें हैं, और कर्म कर्म फल ये सब वेदांत का विषय है। तो मूकं करोति वाचालं, जो मूक व्यक्ति है उसको वाचाल उसको बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला, पंगुं दंडयते गिरिं, अगर पंगु अपंग इस प्रकार की व्यक्ति है तो उसके द्वारा भी गिरि का पर्वत का उल्लंघन जो करवाता है, जिसकी कृपा करवाती है, कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव, तो परमानंद स्वरूप जो माधव अर्थात श्री कृष्ण उसको मैं नमन करता हूँ, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और मेरे हिसाब में मेरे गुरु वैद्य कोलटकर सर, इनका भी नाम माधव है, तो इसमें दो उद्दिष्ट सफल होते हैं, एक कृष्ण को नमन करना ये एक चीज है और मेरे गुरु जो माधव कोलटकर है उनको भी इससे प्रणाम। अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये दो पंक्तियां एक्चुअली कुमार सम्भवम से ली गई है। शंकर पार्वती को पूछते हैं कि अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते, तुम अपने शक्ति के अनुरूप तपाचरण कर रही हो या नहीं हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। शरीर ये ही धर्म का पहला साधन ऐसा है, तो अगर शरीर ठीक हो, यहाँ शरीर का मतलब सिर्फ शरीर लेना कोई खास चीज नहीं है, शरीर का मतलब जीवन या आयुष इस प्रकार से लेने का ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चारों भाव जब हम जीवन कहेंगे आयुष कहेंगे तो वो पहला धर्म साधन है, वो अगर ठीक है तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इस प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंक्ति कालिदास के कुमार सम्भवम से ली गई है और कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास हो, दूसरी एक ऐसी सुविख्यात पंक्ति है, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, कवियों की गणना शुरू हुई
कनिष्ठिका में कालिदास का पहला नाम आ गया। अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बहु, और अभी भी तत्तुल्य कवि कोई मिला नहीं, इसलिए जो दूसरी अंगुली है जिसको अनामिका कहते हैं वो सार्थ हो गई। तो ये कनिष्ठिकाधिष्ट तो इस प्रकार के, ये कालिदास इस प्रकार के है। यद उक्तवान तद अहोत्र वक्षे, उन्होंने जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये जो बताया वही मैं इसमें विस्तार करने जा रहा हूं। तो वास्तव में मेरा केवल एक चरण ही है उसमें, बाकी तीन चरण दूसरे श्लोकों से लिए गए हैं। लेकिन वहां उन्होंने जो कुछ बताया है वही मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। कृष्णा जी कोलटकर ने यह भी एक बताया है कि उन्होंने अपने तरीके से जिस सूत्र का जो अर्थ उन्हें प्रतीत हुआ है वो लिखा है, वो बहुत सारे विद्वानों को दिखा है, दिखाया है, और उन सभी विद्वानों ने उनकी मान्यता की है। और उनका यह भी कहना है अगर कोई इससे स्फूर्ति लेकर प्रेरणा लेकर अपने तरीके से और कुछ अर्थ इसके बारे में बताएगा तो ये किताब कृतार्थ हो जाएगी। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ आयुर्वेद की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, या आयुर्योग संकल्पना की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। और इसलिए आगे वाली जो पंक्तियां है वो मैंने उनका चयन किया है, मैंने उनका लेखन किया है। उद्दिष्टम आयुर्वेद से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, आयुर्वेद का उद्दिष्ट क्या है? तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, ये आयुर्वेद का उद्दिष्ट है। आतुरे रोग मुक्तिश्च, और रोगियों में रोग की मुक्ति करना ये भी आयुर्वेद का उद्दिष्ट है। द्वय में तत् प्रयुज्यते योग शास्त्र आधुना, इन दोनों प्रयोजनों को योग शास्त्र में फिलहाल उपयोग में लाते हैं। योग का जो प्रचार प्रसार भारतवर्ष में और ज्यादातर विदेशों में हुआ है वो इन दो प्रयोजनों के लिए हुआ है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और रोग मुक्ति, रोगियों में, रुग्णों में रोग मुक्ति, इनके लिए थेरापेटिक योगा ये प्रचलन में आया है। और स्वास्थ्य रक्षण के लिए तो योग जगन्मान्य इस प्रकार से हो गया है। तो योगा शास्त्र अधुना किंतु न तत्स्य प्रयोजन, किंतु ये उसका प्रयोजन ही नहीं है योग का। जिस कारण के लिए योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में हुआ है वो उसका प्रयोजन ही है नहीं है। तो योग का प्रयोजन क्या है और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? वयोर मोक्ष प्राप्ति स्यात्, इन दोनों का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ये हो सकता है। खास करके चरकाचार्य ने जो लिखा है योगे मोक्ष च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम योग मोक्ष निवृत्तिर निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग और मोक्ष इन दोनों में वेदनानाम अवर्तनम, कोई भी वेदना संवेदना नहीं रहे, कुछ भी अनुभव नहीं रहे। और वो बताते हैं मोक्ष निवृत्तिर निशेषा, इसमें निशेष निवृत्ति इस प्रकार की है। योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला इस प्रकार का। तो योग की समाधि अवस्था में भी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ इसके बारे में विवरण किया है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इसके बारे में जब बताते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो किसी प्रकार के अनुभव नहीं होते उस समय में, वो खुद ही स्वरूप बन जाता है। तो ये मोक्ष निवृत्ति निशेषा, वहां से वापिस आना नहीं है, वो पूरी निवृत्ति हो जाती है। और योग जो है वो वहां लेके जाने वाला। तो मेरे ख्याल में इन दोनों का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। ये केवल जो वैद्य मुमुक्षु है उनके लिए ही है, बाकी लोगों के लिए तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र स्वीकार, ये जो दो प्रयोजन है वो उनके लिए बताए गए हैं।
चरक शारीर स्थान पहले अध्याय में या पांचवें अध्याय में जो भी कुछ वर्णन आता है उसमें निष्ठात्यंत दुखो दुख मोक्षा मोक्ष रूपा तदर्थ भूता नैष्ठिकी, ये चक्रपाणि तत्व का विवरण है। और उपदाय परो है तो दुख दुखाश्रय प्रधान त्याग सर्वोपदान सर्व दुख व्यपो का, ये बताते हैं कि उपदा उपभोग लालसा ये दुख और दुखाश्रय इन दोनों का कारण इस प्रकार का है, और सभी उपदाओं का त्याग ये सर्व दुख व्यपो का सर्व दुख दूर करने वाला इस प्रकार का है। तो चरक में ये वर्णन आया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें इस प्रकार से, तो इनमें दोनों में मत ऐक्य है कि योग को मोक्ष के लिए ही बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद भी मोक्ष के लिए बताया गया है। चरक संहिता को अगर हम पढ़े तो योगो मोक्ष प्रवर्तक स्वास्थ्यं च रोग मुक्तिश्च मोक्ष प्राप्तिस्तथैव च सम्यक अध्ययनेन आयुर्योगस्य। अभी जो मैं संकल्पना लेके आगे जाना चाहता हूँ वो आयुर्योग संकल्पना है, इन दोनों का मिलाप आयुर्वेद और योग इन दोनों का मिलाप। तो स्वास्थ्य रोग मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति ये तीनों प्रयोजन आयुर्योग के मिलाप से प्राप्त हो सकते। वैसे स्वास्थ्य और रोग मुक्ति ये आयुर्वेद के प्रयोजन है, मोक्ष ये योग का प्रयोजन है, लेकिन आयुर्योग इन दोनों का सम्यक अध्ययन होने के कारण उन्होंने से ये तीनों हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि आज तक हुआ है ऐसे कि एलोपैथी के डॉक्टर ने योग का अध्ययन किया, वैद्यों ने नहीं किया। और जो कि सुश्रुताचार्य ने बताया है कि जो शारीर वो बताते हैं वो विशेषाम योग्य नाम है, केवल वैद्यों के लिए शारीर नहीं बताते अपितु तो योगी लोगों के लिए भी वो उसका वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे में से वैद्यों में से किसी ने भी ज्यादा जिक्र योग अध्ययन का किया नहीं, और जो विवरण है सूत्रों का वो आधुनिक वैद्य के आधार पर ही होता रहा सभी विश्व भर में। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसको कैसे देखें और आयुर्योग संकल्पना से योग को कैसे समझें। आयुर्योग संकल्पना से आयुर्वेद को समझें ये भी एक अलग चीज है। अथते शरणम चक्रम ददृशुर ध्यान चक्षुषा, ये योग का ही विषय है कि उन्होंने ध्यान रूपी नेत्र से इंद्र को देखा इस प्रकार से। तो ऋषि मुनि सब योग करने वाले इस प्रकार के थे, शायद उसके लिए ज्यादा और कुछ शिक्षा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमें योग भी सीखना है आयुर्वेद भी सीखना है, तो आयुर्योग अगर हम अपनाते हैं तो हमें स्वास्थ्य रक्षण रोग मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति ये तीनों प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी का इसमें मुझे जिक्र करना है। अभी मैं चाहूंगा कि हम एक बार शुरू में पातंजलि योग सूत्र का पठन करें, पाठ अवबोध अनुष्ठान ये हमारा क्रम रहा है अध्ययन का। सो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो वाग्भट ने सूत्र लिखा उसमें टीकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि पाठ अवबोध अनुष्ठान परमादर कैसे रखना है, तो पाठ फिर अवबोध और फिर अनुष्ठान इनके द्वारा परमादर व्यक्त होता है। तो पहली जो स्टेप है पहला जो कदम उठाना है वो पाठ का है, तो मैं धीरे धीरे से ये कहता जाऊंगा। हर दिन हम एक बार समाधि पाठ पहले पढ़ेंगे, समाधि पाठ न जाने कितने महीने लेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ये अध्ययन बहुत काल तक चलता रहेगा। वैसे बहुत ही कठिन है इसका अर्थ करना और उसको वास्तव में लाना प्रैक्टिस में लाना ये और भी कठिन चीज है।
और वाचस्पति मिश्र की जो टीका है वो बहुत कठिन है, व्यास की जो टीका है संस्कृत में वो थोड़ी अच्छी है, और उसका ज्यादा विवरण बाकी लोगों ने किया है, वाचस्पति मिश्र के टीका का कोई ज्यादा विवरण लोगों ने नहीं किया है। तो जितना हो सके मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा और उतना समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलने वाला है, ये ध्यान में रखो। पातंजलि योग सूत्राणि महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम प्रथमोध्याय समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। अगर आप भी मेरे साथ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन मन में ही बोले या अपना माइक म्यूट रखे तो आसानी से बोल सकते हैं। इस प्रकार से योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुं स्वरूपेव स्थानम् वृत्ति सारूप्य वितरत्र वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो संधि बनाएंगे तो वृत्तयः पञ्चति पञ्चतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा श्रुतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो न्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना श्रद्धा वीर्य श्रुति समाधि प्रज्ञा पूर्वका इतरेषा तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्याति मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्धभूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्यांगमे अंगमेजयत्वश्वासप्रश्वासः विक्षेपसहदुः तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी निशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषय वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु महत्तत्वान् महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वर्तिका निर्वर्तका निर्वितर्का सॉरी एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानं ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वान् सर्वनिरोधान् निर्वीर्य समाधि
इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथम समाधि पाद तरी अस्य पाठनं गृहे अवश्यमेव प्रतिदिनं कर्तव्यं हर रोज इसको पठन इसका पठन करते रहते हैं तो सामान्यतः एक महीने में ये कंठस्थीकृत हो जाएगा। हमें कितने महीने लगने वाले हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार ये कंठस्थ हो जाने पर आगे जो पाद है उसका आरंभ करेंगे और फिर पहला पाद दूसरा पाद ऐसा कुछ दिन करेंगे और फिर आगे वाले के बारे में। कैन यू शेयर द पीडीएफ? यस, मैं पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा। ये जो है वो ऑन जीएसबीसी। या तो इसके बारे में हमें इस प्रकार से सोचना है। तो आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये व्यास का मंगलाचरण इस प्रकार का है। यस त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतो नेकधा सुग्रहाय प्रक्षीण क्लेश राशिर् विषम विषधरो नेकवक्त सुभोगी सर्वज्ञान प्रसूति भुजग परिकरः प्रीते यस्य नित्यं देवो हीश सवो व्यात् सित विमल तनुर योगदो योग युक्तः। How to join GSVC group? सुश्रुत को कॉल करो। Yeah, I am not on GSVC. Somebody may put Sushrut number and they will contact Sushrut. सहा वहा अव्याधि, ये मुख्य वाक्य है। सहा जो है वो वहा, तो युष्मान वहा आप सभी को अव्याध रक्षण करे, तो वो आप सभी का रक्षण करे। वो कौन है? देवो हीशा, अहि यानी कि सर्प और अहिश यानी कि सर्पों का राजा। शेषनाग जो है देव, वो देव इस प्रकार का है। और कैसा है? सीता विमल तनु, जिसकी तनु सीता और विमल, शुभ्र और विमल इस प्रकार की है। योगदः, जो योग देने वाला है। योग युक्त, खुद योग से युक्त इस प्रकार का है। और कैसा है? सर्वज्ञान प्रसूति, सभी ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, प्रसरण करने वाला। भुजग परिकर, जो भुजगों से व्याप्त इस प्रकार का है, सभी आसपास में उसके सर्प है। यस प्रीते यस नित्यम, और वो क्यों है? तो उसके उसको संतुष्ट करने के लिए ये सभी उसके इर्द गिर्द जमा हुए इस प्रकार के है। इस प्रकार का भुजग परिकर, जो उनके प्रीति के लिए, उसके प्रेम पाने के लिए उसके साथ में जुड़े हुए है। सुभोगी, जिसका फणा, जिसकी फणा बहुत अच्छी इस प्रकार के है। शोभन इस प्रकार के है। अनेक वक्त्रा, जिसके अनेक मुख है। विषम विषधर, तो विषम विष धारण करने वाला इस प्रकार का है। तो शायद विषम का मतलब यहाँ पे तीव्र इस प्रकार का विष, जो सामान्य रूप से नहीं है इस प्रकार के। प्रक्षीण क्लेश राशि, जिसकी क्लेश की राशि अत्यंत क्षीण हो गई है। और यहाँ आद्यम रूपम त्यक्त्वा, उसका जो मूल रूप है उसको छोड़कर, जगता अनेकधा अनुग्रहाय प्रभवत्, संपूर्ण विश्व के लिए अनेक प्रकार से अनुग्रह करने के लिए, उसके ऊपर उपकार करने के लिए जो निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि ये शेषनाग का अवतार इस प्रकार के है और इसीलिए ये बाकी सभी जो विशेषण दिए गए, उनकी जो मूर्ति मिलती है
पतंजलि की, वो भी निचला हिस्सा सर्प का है और ऊपर वाला हिस्सा ऋषि का है, इस प्रकार का। मेरे भी पूजा घर में वो है, स्थित है, और हम मैं हर रोज पूजा करता रहता हूँ। यह मुझे कोयंतूर में उपहार के रूप में ये मूर्ति मिली, तो मैं एक सौभाग्य समझता हूँ कि इस प्रकार की मूर्ति उपहार में मुझे मिली है। कृष्ण का है, कृष्ण कुमार, एबीपी के जो मुखिया है कृष्ण कुमार जी, उन्होंने ये मूर्ति मुझे भेंट दी थी। तो ये नित्य रूप में मेरे पूजा स्थल में है। तो शेषनाग ने इस प्रकार से अवतार लिया और सर्वज्ञान प्रसूति, ये एक है, योग युक्त है और योग द है, ये उसके जो विशेषण बताए गए हैं। ये खुद योग से युक्त है, ये खुद योग देने वाले इस प्रकार के हैं। और जो प्रख्यात श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरामयस्य, ऐसा कहा जाता है, या भारतीय परंपरा ये मानती है कि एक ही व्यक्ति पतंजलि, इन्होंने व्याकरण के ऊपर महाभाष्य लिखा। पतंजलि का मूल अष्टाध्यायी इस प्रकार का ग्रंथ है, उसके ऊपर काशिका वृत्ति लिखी गई है और उसके ऊपर व्याकरण महाभाष्य, ये एक बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। और मराठी लोगों का ये सौभाग्य है कि उस महाभाष्य पर महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने बहुत विस्तृत भाष्य मराठी में लिखा है, उसका विवरण मराठी में किया है। ये 21 खंड है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इस प्रकार का है। तो मैंने तो इसमें से सिर्फ पहला जो आंगिक है, पस्पशांगिक करके, वो पढ़ा है, बाकी मैंने और कुछ पढ़ा नहीं है व्याकरण महाभाष्य से। लेकिन ये देखने का या पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं जब व्याकरण में एमए कर रहा था तो उस समय मैंने वो पस्पश आंगिक जो है वो एक ही आंगिक उसमें से पढ़ा है। दूसरा ये पातंजलि योग सूत्र है, हाँ, जो कि पतंजलि की महान कृति है। और तीसरा ऐसा है कि जो चरक का प्रति संस्करण किया गया, अग्निवेश की मूल संहिता, और चरक ने उसका प्रति संस्करण किया, यतश्चर इवा या तो न ज्ञातः केनचित् तथा तस्मात् चरक नाम्ना सुविख्याता चित्तपतंजलि, एक ऐसा ही श्लोक है कि चर इवा आया था, जैसे गुप्तचर आता किसी के वो समझ में नहीं आए चरक मुनि जो है वो, और उन्होंने ये प्रति संस्करण किया अग्निवेश की संहिता। तो आयुर्वेद में चरक संहिता, योग में पातंजलि योग सूत्र और पातंजल महाभाष्य, ये तीनों अभूतपूर्व है। कर्ता एक है या अनेक है ये अलग विषय है, हमारी परंपरा मानती है कि कर्ता एक ही है इसका, लेकिन ये अद्भुत इस प्रकार के है। और एक एक को भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा जीवन पर्याप्त नहीं रहे। अभी हम चरक पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं, फिर भी एक इतने बार पढ़ने के बाद हमें उसका सम्यक ज्ञान होगा, इसके बारे में कोई भी बता नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। कोलटकर जी ने भी ऐसे ही लिखा है, कृष्ण शास्त्री कृष्णा जी कोलटकर जो है, उन्होंने कि एक बार पढ़ने से इसमें कुछ नहीं होगा, जब आप बार बार पातंजलि सूत्र पढ़ते रहेंगे, मनन करेंगे और उसकी अनुभूति लेंगे, ये सबसे अहम विषय है। ये केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, प्रैक्टिकल वेदांत है। तो वेदांत तो अगर समझना है तो ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य पढ़ो, उसकी तत्व भूमिका समझने के लिए, सर्वं खलु इदं ब्रह्म तत्वमसि, ये जो उसके प्रख्यात उदाहरण है, जीवो ब्रह्म एव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, वगैरह वगैरह।
ये तत्व स्थिति समझने के लिए वो अच्छा इस प्रकार का है। वैसे गीता के ऊपर ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत उपकार किया है ज्ञानेश्वरी लिखकर, वो भी एक अनूठा इस प्रकार का अनुभव है। और उसको भी समझ पाना अभी मुश्किल है क्योंकि उसको 700 बरस से ज्यादा बरस हो गए जो मराठी में लिखा गया है, तो भी उसको समझ पाना मुश्किल है। तो उसके ऊपर भी विवरण होते रहते हैं और वो भी अगर हम देखें तो ज्ञानेश्वर का एक दूसरा ग्रंथ है चांगदेव पासष्ठी, जो वेदांत के ऊपर है और बहुत केवल 65 श्लोकों में उन्होंने या वो भी इसमें वेदांत तत्वज्ञान को ज्ञानेश्वर जी ने बताया है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि भगवद गीता या ज्ञानेश्वरी ये भी वेदांत के पक्ष में है। सांख्य योग, इसमें सांख्य में द्वैत भाव है प्रकृति और पुरुष। अभी योग को सांख्य योग मानते हैं या गीता को सांख्य योग मानते हैं, तो कृष्णा जी पलट करने काफी जगह इसका खंडन करने की कोशिश की है कि ये वेदांत पर है और सांख्य योग इस प्रकार का द्वैत इसमें अभिप्रेत नहीं है। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भी सांख्य के बारे में बताया है और जिन्होंने वेदांत के पक्ष में उसको ले लिया है, तो वो देखना इस प्रकार से आवश्यक रहेगा। तो ये जो पतंजलि है शेषनाग के अवतार स्वरूप है, सर्पों के राजा इस प्रकार के स्वामी है, असित विमल तनु है, योग योग देने वाले हैं, योग युक्त है, अनेक वक्त्र सुभोगी वगैरह वगैरह, प्रक्षीण क्लेश राशि जिनकी क्लेश राशि क्षीण हो गई हो, इस प्रकार के जो है वो आप सभी का रक्षण करें, सहा वहा अव्यात, इस प्रकार का ये मंगलाचरण इस प्रकार से किया गया है। अथ योगानुशासनम, तो ये पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो अथ इत्यायम अधिकारार्थ, सो अथ शब्द जो है वो अधिकार के हिसाब से आया है। एक मंगलाचरण के हिसाब से भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। ओंकार द्रावय तो ब्रह्मण पुरा कंठम दिखवा विदरिया तो तेने वो मंगल के अष्टांग हृदय में भी टीकाकार ने इसका विवरण किया है। अथा तो रोग विधि अथा तो महिला का दीर्घ जीवित मध्यान व्याख्या से महा अथवा अथ शब्द से प्रारंभ बहुत जगह किया जाता है। तो ये ब्रह्मदेव के मुख से पहले निर्माण हुए और इसलिए ये मंगल कहे जाते हैं अथ शब्द और ओंकार ये दो शब्द है। आगे इसके बारे में ओंकार के बारे में ज्यादा विवरण आएगा तो उसको हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ओंकार के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और बहुत लोगों ने उसका विवरण करने का प्रयास किया है, लेकिन ये अथ ये आनंतर्य के लिए भी आता है। इसके तुरंत बाद हम योगानुशासन कहने वाले हैं, ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन इन सभी का कहना है कि अथ ये अधिकार के स्वरूप में है। तो पाणिनि में भी समास इस प्रकार का सूत्र आता है और वो बोलते हैं कि अधिकार सूत्र है। काशिका वृत्ति जो लिखी गई है वो बोलते हैं कि अधिकार सूत्र है, या भट्टोजी दीक्षित का जो उसमें विवरण है। तो स्वदेश वाक्यार्थ शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर सूत्रैक वाक्यतया अर्थबोध जनकत्वम अधिकारत्वम, या अधिकार की व्याख्या कि उस सूत्र के समय उसमें उसका कुछ अर्थ न हो, लेकिन उत्तरोत्तर सूत्र जो है उनमें से एक वाक्यता होकर जो अर्थ निर्माण करने की क्षमता उसमें रहती है उसको अधिकार। तो ये बताते रहे आप पंच सप्तति है इदम अधिकार अयम अधिकार, पंच सप्तति सूत्रों तक ये अधिकार चलता रहेगा, 75 सूत्रों तक ये अधिकार चलता रहेगा इस प्रकार से। तो अभी इसमें जो भी आगे सूत्र आएंगे वो समाज के बारे में सूत्र रहेंगे,
ऐसा समझ। तो उसी प्रकार से ये अथ योगानुशासन ये अधिकार हो गया, और पूरा जो ग्रंथ है वो योग के बारे में बताने वाला ग्रंथ है, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। ये सभी लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी शास्त्र को जानने के लिए अधिकारी व्यक्ति कौन है, किसको इसमें पढ़ने का अधिकार है, इस प्रकार से उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, उद्दिष्ट इस प्रकार का क्या है, और उसका प्रतिपाद्य विषय कौन सा है, और वो ग्रंथ और प्रतिपाद्य विषय का संबंध किस प्रकार का है, संबंध उसमें क्या है, ये बताना जरूरी है इस प्रकार से। तो इसमें भी अधिकारी कौन है ये जान देना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो मोक्ष है, जिसको मोक्ष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है कि ऐसा ऐसा कुछ मोक्ष होता है, और वो पाने की इच्छा है, जिसको मोक्ष के बारे में कुछ कल्पना ही उसमें मन में नहीं है, उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, और मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं है। अधिकारी जो है वो मोक्ष होना चाहिए, और तत्र मुमुक्षुणाम उदयनानि व्याख्या समय चरक में भी लिखा है, जो मुमुक्षु है उनके लिए उनके उदय के लिए क्या करना है ये अभी बताते हैं, ऐसा चरकाचार्य भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से जिनके मन में इसके बारे में आकांक्षा हो उसको अधिकारी इस प्रकार से मान देना चाहिए। प्रयोजन वही है कि मोक्ष प्राप्ति, तदा दृष्टु स्वर्पे अवस्थानम, वो जो दृष्टा या जो देखने वाला इस प्रकार का है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, कैवल्य की अनुभूति हो, यही उसका प्रयोजन है इस शास्त्र। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि स्वास्थ्य रक्षण या रोग से मुक्ति आयोग का प्रयोजन है ही नहीं, ये तो आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उसे लिखा गया है। योग का प्रयोजन तो मोक्ष प्राप्ति यही है, और ये प्रयोजन ध्यान में रखते हुए सभी ग्रंथ की सभी ग्रंथ का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो उसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का न हो कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या है, और ये जो है शास्त्र वो प्रतिपादक है उस विषय का, ये जो प्रतिपाद्य विषय मोक्ष ये जो है वो उसका प्रतिपादक इस प्रकार का है। तो इन दोनों का ग्रंथ जो है वो प्रतिपादक है, और ये जो मोक्ष विषय है वो उसका प्रतिपाद्य विषय है, इस प्रकार इनका दोनों का संबंध है। तो अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, और संबंध क्या है, ये जानने के बाद ही प्रेक्षावान की उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। ये काफी बहस अष्टांग हृदय चरक संहिता के पहले सूत्रों में आता है कि ये जाने बगैर कोई भी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। वहां पे भी ऐसा बताया गया इतिहास में अत्रयादेव महर्षिया, ये सूत्र की आवश्यकता क्यों है, तो उन्होंने दो तरीके के लोग माने हैं। एक तो जिनको अग्निवेश एक अच्छा विद्वान है और ट्रस्टवर्दी है या विश्वास है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं, उनके लिए अग्निवेश ने कहा है तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो अग्निवेश को जानते ही नहीं है वो कैसे विश्वास करेंगे कि ये अग्निवेश कुछ भी कह रहा है, मैं दीर्घायु के बारे में बता रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो उनके लिए अगर उनको अत्रयादि महर्षि के बारे में ज्ञान है तो इतिहास में और अत्रयादेव महर्षि यहाँ इसके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि अग्निवेश खुद का कुछ नहीं बताने वाला। जो ज्ञान अत्रयादि महर्षि से उन्हें प्राप्त हुआ है वो ज्ञान वो आगे वितरित करने वाला है। अब जब ये शुरू होता है तो पता चलता है कि अत्रेय को भी ज्ञान हुआ है, वो इंद्र से हुआ है, इंद्र से इंद्र के हुआ है तो पहले से हुआ है, और ब्रह्मा श्रुत्वा विश्ववेदम, ब्रह्मा ने भी ज्ञान निर्माण नहीं किया है, वो तो सिर्फ प्रवक्ता है उसके। तो हमारी वैदिक परंपरा ऐसा मानती है कि ये सब ज्ञान था
मौजूद है, था भी है, थोड़ा भूतकाल जो हो गया लेकिन मौजूद रहा है इस प्रकार से। और केवल ब्रह्मा ने उसका स्मरण किया और आगे आगे प्रजापति वगैरह लोगों को दिया, अश्विनी कुमार, इंद्र वगैरह वगैरह, और उनसे फिर भरद्वाज को प्राप्त हो गया और फिर अग्निवेश आदि को प्राप्त हुआ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार ये भी ज्ञान पूर्व से मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पद्धति खुद कुछ कर रहे हैं। इसलिए अथ अनुशासन बताया, योगानुशासन, अनुशब्द का प्रयोग किया, नहीं तो योग शासन कह देते कि अब मैं योग शास्त्र के बारे में बताता हूं। शासन का मतलब होता है नियंत्रण करना, शास्त्री इति शास्त्र, जो एक नियमों से बद्ध है इस प्रकार की प्रणाली को व्यक्त करना, ये शास्त्र का मतलब। अभी जो मैं सुबह शास्त्र, आयुर्वेदिक शास्त्र के बारे में जब बोलता हूं, तो प्रस्थापित कार्य कारण भाव और उसके अलग जो कार्य कारण भाव है, बहु कारण योग शून्य, इस प्रकार के कार्य का कार्य के बारे में बताना, ये काफी मुश्किल काम है। और आयुर्वेद इस प्रकार के कार्य कारण भाव को आगे लेकर चलता है, इसलिए आयुर्वेद ज्यादा क्लिष्ट है, समझने में काफी मुश्किल आती है। जहां एक कार्य एक कारण ऐसा संबंध है, वहां काफी आसान हो जाता है और उसी के आधार पर कुछ हम हासिल करते हैं, तो ये एक अद्भुत चीज होता है। जैसे कि सूक्ष्म जंतु है और उसके रोग निर्माण होने वाले हैं, सूक्ष्म जंतुओं का हम नाश करेंगे तो रोग का नाश हो जाएगा, ये वन टू वन रिलेशनशिप इस प्रकार, एक कारण एक कार्य इस प्रकार। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में इंफेक्शियस डिसीजेस इस प्रकार के जो कार्य निर्माण होते हैं उसमें सिर्फ जंतुओं का आक्रमण ये एक कारण नहीं रहता, प्रतिकारक शक्ति का कम होना ये भी एक कारण इस प्रकार का उसमें होता है। तो और भी जितने कारण होंगे, प्रदूषित वातावरण वगैरह वगैरह, ये भी कारण उसमें हो सकते हैं। तो उन सभी भावों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और फिर उसका प्रतिकार करेंगे तो ही सही मात्रा में प्रतिकार, नहीं तो अभी जो कोरोना की स्थिति हुई है उस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्री इति शास्त्र जो नियमों से बद्ध इस प्रकार से कार्य कारण भाव के ऊपर निर्भर इस प्रकार की स्थिति है उसको शास्त्र कहते हैं। और ये शास्त्र केवल एक कारण एक कार्य के दर्शन नहीं होता, यहाँ सभी प्रकार के विकल्प होते हैं। एको हेतु वही व्याधर एक चाने को बहुनाम बहुचर, जो चरक निदान आठवें अध्याय में चरकाचार्य ने काफी इसके बारे में लिखा है। तो वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, ये चार ही प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस उसमें पाए जाते। तो ये पहले से मौजूद था हिरण्यगर्भ इस प्रकार का, वो बताते हैं कि ये आद्य कर्ता इस प्रकार का या आद्य वक्ता है। और ये बड़ी अद्भुत संकल्पना इस प्रकार के, सभी जो ज्ञान है उसके आद्य वक्ता हिरण्यगर्भ है, ऐसा उनका कहना है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है हिरण्य जिसके गर्भ, जिसके गर्भ में हो, या खुद खुद हिरणमय इस प्रकार का कोई पुरुष इस प्रकार का हो। कैन नॉलेज एग्जिस्ट विदाउट आत्मा, सो इन शॉर्ट ब्रह्मात्मा इटसेल्फ इज नॉलेज और ज्ञान विच हैज टू बी एक्वायर्ड बाय भूतात्मा। हम इसके बारे में आगे आगे चलेंगे तो जानकारी ज्यादा होगी। वैसे देखा जाए तो ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों भिन्न होते हैं, और ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञेय जिसके बारे में ज्ञान करवा लेना है, और ज्ञान ये त्रिपुटी बोली लगती। तो उसके बगैर नॉलेज ज्ञान एग्जिस्ट विदाउट आत्मा, आत्मा के बगैर ज्ञान होता है या नहीं होता है। एक्चुअली अभी हम समझते हैं कि वो अलग है और आत्मा को ज्ञान होता रहता है,
ज्ञान अलग चीज होती है। लेकिन इनका कहना है कि ये जब स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो ये भिन्न नहीं रहे, वास्तव में अभिन्न है, ऐसा ही उनका कहना। जब तक उस अवस्था तक पहुंचते नहीं है तब तक ये समझ लेना काफी मुश्किल है। और हम जो ज्ञान अभी ले रहे हैं, समझो कि पतंजलि योग सूत्र हम अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, और ये ज्ञान ये जो है वो पतंजलि योग सूत्र है और उसका उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अभी ऐसा बता सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं इसका ज्ञान ले रहा हूँ, योग सूत्र मेरे लिए नहीं है और इसका मैं ज्ञान ले रहा हूँ। लेकिन इसमें एक अवस्था ऐसी आ जाती है असंप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं, कि जिसमें ये एक रूप हो जाते हैं और वही कैवल्य की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति है। सो इज ब्रह्मात्मा ज्ञान, आत्मा शब्द मत लगाओ, ब्रह्म इट्स ये ब्रह्म ही परिणत होकर हमें सृष्टि के रूप में हम उसको देखते हैं। चांगदेव वासिष्ठ ने, भागवत ज्ञानेश्वर ने जो बताया है कि ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में हमें हमारे सामने व्यक्त हो जाता है, जिसको हम सृष्टि अलग समझते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा शब्द का प्रयोग करना है तो जीवात्मा परमात्मा करो, और ब्रह्म का प्रयोग करना है तो ब्रह्म ही परमात्मा आएगा, वास्तव में उसमें अंतर नहीं रहेगा इस प्रकार। तो एक ही ब्रह्म है और हम उससे अपने को अलग मानते हैं, जैसे प्रकृति पुरुष विभाग सांख्यों ने किया, ये सृष्टि है, ये सब प्रकृति का विस्तार इस प्रकार के है, पुरुष उससे अलग है। और वास्तव में पुरुष को अपनी स्थिति का ज्ञान होना यही उनके लिए मोक्ष इस प्रकार से बताया गया। ये भी दूसरे शब्द में यही बात बताते हैं, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, और ब्रह्म ही परिणत तो होकर सृष्टि के रूप में भासमान सरकार का होता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, आगा जे झाले ची नाही त्याची वार्ता काय, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या पूछते हो। तो जो उस अवस्था को पहुंचे हैं, जो ब्रह्मरूप हो गए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए केवल ब्रह्म स्व उसकी अनुभूति लेना यही रह गया है। तो ये जो सवाल है ये सभी लोगों ने निर्माण किए हैं, सवाल पूछे गए हैं इस प्रकार से, लेकिन इन सभी का उत्तर एकदम नहीं मिलेगा और ये साक्षात अनुभूति का विषय है, ये बात में ध्यान में रखो। हिरण्यगर्भ नामा इस फिफ्थ स्टेप मंत्र इन सूर्य नमस्कार, ऑल दीज मंत्रास वर्ड्स आर कंसिडर्ड पर्याय ऑफ सूर्य। हिरण्यगर्भ मीन्स सूर्य, ज्ञान सूर्य जैसा कुछ, एक्चुअली हिरण्यगर्भ सूर्य का ही बताया गया है। आगे उसके बारे में थोड़ा बहस करूंगा कि सूर्य का ही स्वरूप इस प्रकार का है, और हिरण्य गर्भाय नमः, वो हिरण्य गर्भ रूप सूर्य को नमस्कार इस प्रकार से उसमें किया गया है। और ये तेजस भी है बहुत, और हिरणमय जैसा लगता है, सोने से निर्माण हुआ इस प्रकार से लगता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में इसके बारे में बताया गया है कि वही वक्ता है, पहला वक्ता जो है वो हिरण्यगर्भ यही वक्ता इस प्रकार का। और शायद सूर्य एक शक्ति है विश्व की इस प्रकार और यही ज्ञान का स्रोत है। तमस जो है, सत्व रजस तमस के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो सत्वम लघु प्रकाशक, लघु और प्रकाशक इस प्रकार का सत्व बताया गया है। तो शायद उसका संबंध
इस सूर्य से इस प्रकार सांगा करता है, और उसको हम भली भांति समझने की अगर कोशिश करेंगे, जो हिरण्यगर्भ ने बताया वही उसी शास्त्र को अनुशासन के रूप में पतंजलि बता रहे। तो इनका कहना है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये हिरण्यगर्भ से प्रचलित हुआ है, और मेरा सिर्फ उसको शास्त्र के रूप में आपके सामने उपस्थित कर ये कार्य है। इसलिए अनु शब्द का प्रयोग है, अनु इस प्रकार का उपसर्ग लगाया है। शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्य, योगा अनुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्य, योगो समाधि, योग क्या है तो समाधि है। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, वो चित्त का सार्वभौम धर्म है, सभी प्रकार की स्थिति में वो चित्त का धर्म है। तो प्रतीत क्यों नहीं होता? हम सभी लोग समाधि अवस्था में होने चाहिए, जो इसकी स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार की है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमि। तो ये पांच प्रकार की चित्त भूमि बताई गई है। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधि न योगपक्षे वर्तते। इन्होंने क्षिप्त और मूढ़ को छोड़ दिया, डायरेक्टली विक्षिप्त के बारे में बता। क्षिप्त का मतलब है फेंका जाना इस प्रकार, क्षेपण फेंकना इस प्रकार। तो बाह्य विषय में अगर हमारा चित्त केंद्रित हो जाता है तो उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं, जो सभी लोगों का रहता है। हम सभी इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों में कुछ श्रवण करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ का आस्वाद इस प्रकार से लेते हैं। तो चित्त जो है वो इन्हीं विषयों में लगा हुआ इस प्रकार का रहता है। तो ये क्षिप्त अवस्था है, क्षिप्त भूमि इस प्रकार से बताती है। मूढ़ अवस्था जो है, ये क्षिप्त जो है वो रजो दोष से संबंधित है, रजो गुण से संबंधित है। मूढ़ जो है वो मोह से संबंधित इस प्रकार की स्थिति है। तो हम कुछ समझते नहीं है, आलस्य निद्रा वगैरह, फिर ये मूढ़ स्थिति रहती है, और हम हर रोज सोते तो है, तो इसमें ये मूढ़ इस प्रकार की स्थिति रहती है। विक्षिप्त जो है ये विशेष प्रकार का क्षेपण इस प्रकार का है, कभी इस प्रकार का हो जाता है कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें सत्वगुण प्रकट हो जाता है, और इस सत्वगुण के प्रकट होने के कारण कुछ ज्ञान इस प्रकार का होता है। लेकिन ये जो विक्षिप्त अवस्था है ये कादाचित है, कभी कभी होने वाली इस प्रकार की अवस्था है, तो इसमें इसको योग में नहीं लिया है। ये ऐसी होने वाली है, अगर हम अध्ययन करते रहे, निरंतर इसका प्रयोग करते रहे, तो ये अवस्था होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, और उसमें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इस प्रकार की अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें अटक नहीं जाना है, उसके आगे चलना है। और एकाग्र आगे जो है वो एकाग्र है कि किसी एक आलंबन पर हमारे चित्त को स्थिर कर। तो त्राटक वगैरह इस प्रकार की स्थिति है, या फिर कोई ईश्वर की मूर्ति वगैरह सामने हो और उसमें हम चित्त का एकाग्र करेंगे इस प्रकार से, और उसके आगे जाकर निरुद्ध, जब सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो वो योग कहलाए। तो ये जो पांच प्रकार की वृत्ति बताई गई है, या चित्त भूमि बताई गई है, उसमें से हमें क्षिप्त और मूढ़ इसमें हम ज्यादातर रहते हैं, उसमें से विक्षिप्त और उसके आगे एकाग्र, उसके आगे जो निरुद्ध जो अंतिम अवस्था है उसमें हमें पहुंचना है। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते। इसमें भी समाधि लग जाती है लेकिन वो योग पक्ष में नहीं आती है। तो कुछ हमें ज्ञान इस प्रकार का हो जाता है, जब मैंने इसकी बात कही थी स्कंद कोश के बारे में। तो कोलटकर सर जी का देहांत हो गया और अचानक इस कोष की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई,
और करीबन 40,000 रिकॉर्ड्स थे जिनमें कोई नियम नहीं था किस प्रकार से रिकॉर्ड्स किए जाने चाहिए वगैरह वगैरह। अब मैं सचमुच पागल हो गया, मैं जब वो देखने गया बार 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 देखने गया तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। तो मेरी नींद टूट गई और एक दिन सुबह 4 बजे मुझे अचानक जागृत अवस्था प्राप्त हुई और ये मैं समझता हूँ कि गुरु कृपा रही कि लक्षण कोश का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो गया कि लक्षण इस एंटिटी में क्या क्या आता है। एक मूल लक्षण रहता है, उसका विशेषण कुछ रहता है, तीव्र है, मंद है, अधिक है, अल्प है वगैरह वगैरह। इससे संबंध शारीर आदि भाव होते हैं, उनके विशेषण होते हैं। इससे संबंध शारीरेतर भाव होते हैं या व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके विशेषण इस प्रकार के रहते हैं। कालवाचक पद संबंध में रहते हैं, अवस्थाएं संबंध में रहती है। तो इन सभी से लक्षण एंटिटी बनती है, लक्षण का स्वरूप व्यक्त हो जाता है। तो एक बार ये ध्यान में आने के बाद मुझे डाटाबेस स्ट्रक्चर बनाने में कुछ ही पल लगे, कुछ मिनटों में मैंने डाटाबेस स्ट्रक्चर बना लिया और तुरंत सभी उपसंपादक जो थे उनकी मीटिंग कॉल की सुबह 11 बजे। मैं उसी के बारे में सोचता रहा, सभी को बुलाया और मैंने बताया कि ये इस प्रकार से काम करना है और ये स्ट्रक्चर रहेगा डाटाबेस। अब इसमें L1 में सिर्फ लक्षण ही होगा, उसमें शारीरिक आदि भाव नहीं आएंगे। L1A में केवल विशेषण ही होगा, L2 में केवल शारीरिक आदि भाव होंगे, L2A में शारीरिक आदि भावों के विशेषण इस प्रकार के रहेंगे। तो ये एक बार निश्चित हो जाने के बाद लक्षण कोश आगे बढ़ा। तो मैं अभी समझता हूं ये सब देखने के बाद कि ये मेरी विक्षिप्त अवस्था, अचानक कुछ स्पार्क मिला और लक्षण कोश का किस प्रकार से कार्य करना है ये मुझे मेरे ध्यान में आया। और फिर हेतु कोश और औषध कोश के बारे में वही तरीका अपनाया और वो पता गया। जब मैंने प्रातिपदिक कोश का आरंभ किया तो मुझे ये जो मालूम था कि कृष्णद कोश में हमने 3 कोश बनाए थे और इसमें मुझे एक ही कोश बनाना है। तो डाटाबेस स्ट्रक्चर इस तरीके का होना है कि जो एक ही डाटाबेस स्ट्रक्चर में सभी जो हमारा प्रयोजन है वो पूरा करे। उसके बाद भी उसके बारे में भी मैं बहुत सोचता रहा और अचानक एक दिन जो अभी का स्ट्रक्चर है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर है प्रातिपदिक कोश का, वो मेरे ध्यान में आया। ये भी एक विक्षिप्त अवस्था, तो इसमें ध्यान होना जरूरी है कि मुझे ये करना है। ये बात मेरे मन में बैठ गई हो कि मुझे यही करना है तो ये विक्षिप्त अवस्था आ सकती है। वैसे भी अगर हम समझ लेंगे कि मुझे पातंजलि सूत्र का भली भांति अर्थ समझना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, ये अगर इस प्रकार का ध्यास हो जाएगा तो ये हो जाएगा। विक्षिप्त अवस्था में होना ये एक चीज है और एकाग्र होकर आगे की अवस्था तक जाना ये और चीज है। प्रयास हमारा ये रहेगा कि एकाग्र चित्त होना, यहाँ तक तो हम जा सके। और जब चित्तवृत्ति निरोध पूरी तरीके से हो जाए तो शायद हम बाकी लोगों के काम के लिए नहीं रहे, हम स्वतः ब्रह्मभूत हो जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहे। लेकिन तब तक की अवस्था शायद वर्णन करने जैसी इस प्रकार की रहेगी। तो मेरा मंतव्य है कि काफी कठिन विषय है, मैं अपने तरीके से उसको खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा चरिते अध्ययन विधि ये है। तो अध्ययन और अध्यापन ये तो चलता रहेगा लेकिन तद्विद्य संभाषा ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है अभी के स्थिति। और मुझे एकमात्र ज्ञात जो व्यक्ति है गानू सर, जिनके साथ मैंने ये अध्ययन किया था, वो अभी काफी दूर है, मालूम नहीं वो कितना उपयोग में हो सकेंगे।
हम विक्षिप्त अवस्था व्यवहार में हम अलग ही लेते हैं। तो ये विक्षिप्त अवस्था जब आती है तब क्या हम नॉर्मल से अलग बिहेव करते होंगे? फॉर एग्जाम्पल गिवन बाय रामकृष्ण परमहंस जी डांसिंग ऑन ग्रास, हो सकता है लोग उसको मूर्खता भी समझते हैं लेकिन हर समय यह मूर्खता ही होगी ऐसा तो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी जब नृत्य कर रहे थे और अचानक रोने लगे तो ये विक्षिप्त अवस्था ही है एक प्रकार की, और इसमें मूर्खता का कोई संबंध नहीं है। लेकिन श्री एम ने जो बताया है अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, उन्होंने एक ऐसे ही योगी के बारे में बताया है कि लोग तो उनको पागल समझते थे और वहां पे बताते हैं कि एक्चुअल पागल व्यक्ति और बहुत ही होशियार व्यक्ति उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ही कम फर्क होता है। लोग शायद उसको पागल समझे लेकिन वो असल में वही सच्चा ज्ञान ज्ञानी इस प्रकार का होता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में जहां तक मैं समझ सकूंगा मैं इसका विवरण करता रहूंगा और देखते हैं अंत में जो हमारे प्रार्थना है उसको कर लेते हैं और कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम नीनां पतंजलिन्द्रांजलिदानतोऽस्मि। पहली पहली वेगळी केली ना मी वाचता रचल्या ना।